तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं डेविस फॉल एंड अभी जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, सो लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं डेविस फॉल में और डेविस फॉल का सीन देख सकते हैं काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे नेपाली आपको टिकट लेना पड़ता है 40 रुपया जो कि पर पर्सन है। इंडियन होंगे तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ता है, पर आपको थोड़ा सा नेपाली आना चाहिए, आप लोग अपना 60 रुपये का बचत कर सकते हैं। सीन्स काफ़ी खूबसूरत है, देख ही सकते हैं। देख सकते अभी आ गया डेविस फॉल। और एक मैं बात आप लोगों को बताता हूँ, डेविस फॉल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से एक लड़की जो डेविस नाम की थी वो इसी डेविस फॉल में नहा रही थी, तो यहाँ से वो मतलब बह करके चली गई जो कि गुप्तेश्वर गुफा के रास्ते से ही गई, तो इसका नाम डेविस फॉल पड़ गया। नहीं तो इसका पहले नाम था मतलब उस साइड है, नहीं तो इसके पहले इसका नाम था पताले सांगो। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना तेज में पानी आ रहा है। हम लोग इस तरफ अभी घूम के आ गए वाटरफॉल की तरफ अभी। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं गुप्तेश्वर महादेव गुफा एंड भैया हो रहे आगे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। एंड बगल में देख सकते हैं काफी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। अभी इसके अंदर जाने के लिए टिकट लेना होगा, तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। एंड गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं अभी गुप्तेश्वर महादेव गुफा एंड अभी राउंड करके हम लोगों को जाना होगा। सर्कल देख सकते हैं कितना बढ़िया है एंड नीचे का व्यू देख सकते हैं। इसी तरफ देख सकते हैं कितने सारे भगवान का मूर्ति लगा हुआ है एंड यहाँ पे देख सकते हैं विष्णु भगवान है जो कि अमृत का जो मंथन हो रहा था शायद उसका ही सेंस है, सो काफ़ी सही दिख रहा है यहाँ पे। एंड गाइस फाइनली हम लोग इंटर करने वाले हैं गुफा के अंदर, सो देख सकते हैं गुफा के अंदर आने पे अभी कितना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। एंड भाई को देख सकते हैं हेलमेट लगा के ही आ रहे हैं अभी। तो गाइस अंदर में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, फाइनली हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं एंड देख सकते हैं कितना ठंडा ठंडा है अभी। तो एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शंकर जी का मूर्ति लगा हुआ है एंड नीचे की तरफ अभी फिलहाल पता नहीं क्यों बंद है, सो लेट्स गो यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी। तो भाई हम लोग फिलहाल अभी नीचे जाके आए, तो फिलहाल यहाँ पे बारिश काफ़ी हो रहा था ना, तो बारिश के कारण अंदर का कैफ़े थोड़ा बंद था, तो वहाँ पर भीतर जाने को ऐसे वीडियो कर नहीं सकती हूँ, तो अंदर वीडियो वहाँ का बना नहीं पाया। एंड हमारे पीछे देख सकते हैं विष्णु भगवान का मूर्ति बना हुआ है जो कि अभी लेटे हुए हैं एंड सीन्स काफ़ी ऑसम है। इधर का भी देख सकते हैं सीन्स काफ़ी ऑसम है एंड यहाँ पे सेसनाक का भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं अभी भैया क्या कर रहे हैं, सीट काफ़ी गर्म हो चुकी है, उसको कूल ठंडा करना पड़ा ना अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी गुप्तेश्वर महादेव गुफा कंप्लीट कर लिया, उसको भी देख लिया एंड डेविस फॉल को भी देख लिया, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पावर हाउस की तरफ, तो वहाँ पर काफ़ी मस्त नज़ारा होगा, सो लेट्स गो चलते हैं वहाँ पे पावर हाउस की तरफ, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल पावर हाउस की तरफ चलते हैं, लेकिन जल्दी बैठना अपने, तो सीट फिर से गर्म हो जाएगी। इतना जल्दी नहीं होगी अभी फिलहाल, तो अभी अभी पानी डाले हैं ना भैया नेपाल है कुछ, ये तो बात है।